उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दाउसानी पर सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अजित नेगी ने कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दाउसानी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। वहीं इस मामले पर गरिमा मेहरा दाउसानी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक माफी मांगी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लेकिन मेरे द्वारा कल एक पोस्ट डाली गई थी जो मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में है, और जैसे ही मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि ये पिछले विधानसभा की, क्योंकि जब आपके पास कोई वीडियो आता है तो आपके पास पुष्टि नहीं होती कि वो वीडियो कब का है, तो ऐसे में मेरे द्वारा त्रुटिवश वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, और मेरे सहयोगी ने जैसे ही मुझे बताया कि वो विधानसभा चुनाव का वीडियो है, तत्काल उसको मेरे द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये बात है लगभग शाम के 7-8 बजे की, और उसके बाद मेरे घर पर पुलिस आई। मैं पता करती रही, मैंने एसपी सिटी को फ़ोन किया, मैंने एसओ वसंत विहार को फ़ोन किया, लेकिन कोई मुझे ये बताने में नाकाबिल साबित रहा कि मेरे घर पर पुलिस आखिर आई क्यों। मेरी सोसाइटी में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया कि कोई मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड की महिला हूँ, और पूरी सोसाइटी में हड़कंप सा मच गया कि मेरे लिए पूछताछ करते हुए पुलिस घर तक आ गई। ऐसे में अब मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर कोतवाली में 6 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं वकीलों से राय मशवरा कर रही हूं और देखूंगी कि उसमें क्या हो सकता है। निश्चित रूप से मैं इसको त्रुटि मानती हूं कि एक विधानसभा के चुनाव का वीडियो मेरे द्वारा सोशल मीडिया पर डाला गया, लेकिन अपनी भूल को सही समय पर स्वीकारते हुए मैंने उसको डिलीट भी कर दिया।